नजरे मिलन के ये, अरे नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए नया, मुस्कुराइए नया। इतने करीब आके दूर जाइए नया, इतने करीब बा एक छोड़ के बिरहा देखा महात्मा तथागत बुद्ध जी, बुद्ध भगवान के लीला एक छोड़ के हम बतावत थी। ऐसे महापुरुष थे, एक ऐसे भगवान थे, न जाने कितने अच्छे अच्छे, इतना जाने कितने बुरे से बुरे लोगों की जिंदगियां सवार दी दोस्त। जाते समय एक ऐसे प्राणी जिनका कोई नाम नहीं दिया गया इतिहास में, पेड़ के नीचे। अच्छा आम्रपाली के नाम आप सब सुने होगा, जौन बेचारी के देखा यहू रहा इतिहास में। इतनी खूबसूरत कन्या थी, इतनी खूबसूरत कन्या थी कि उसको ले जाया गया वैशाली नगर में। जब धीरे धीरे वो जवान हुई, एक लोगों के साथ में शादी करने के तत्पश्चात जब एक लोगों के साथ में ब्याह करने के तत्पश्चात जब एक वह ब्याह करे बड़े तैयार हो तो एक वह लड़ाई करे लगे, कहा कि ब्याह करी है तो हम ब्याह करो। अब वहां के तमाम प्रकार के धन दौलत भरे रहने के बाद भी बताओ एक महाराजा उनसे ब्याह नहीं कह सकते नहीं था। बड़े कि महाराज सोचते हैं हम अगर ब्याह कह लिए तो सारा मामले अंडमंड हो जी। एक छोट के गीत की लाइन में मास्टर साहब कौन बड़ी पुरान गीत की लाइन बाकी। अरे धीरे धीरे पौवा, अरे धीरे धीरे पौवा धारा पारी धनिया गोड़े घूमुनावा दोस्त कहना पड़ा। अरे खन 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 कैला कंगनवा, अरे खन 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 कैला गे कंगनवा के सजनवा बनी है लोग उनके सामने जाने की कोशिश करते हैं। अज्जे बाव करे सामने जाए के कोशिश नहीं बा। अब अगर इतने हिम्मत बा इतने जज्बा बा तो जा पूछ ला एक बार योगी महाराज और मोदी जी से कि ईवीएम मशीन का है हटाओ नहीं है, हटावा ही तू चुगल खो रहा गद्दार है नीचा।
जाए के तमाम प्रकार के बात कहिए ना उनसे, लेकिन कहना पड़ा। अंतरे की लाइन में कहे, उस कन्या को देख करके तमाम लोग लोहित हुए हैं। भाईदारी इधर महाराज जी वैशाली नगर के महाराज कहने, न तो तू बिया करब न हम, न तो कोनो और यहाँ के दरबारी भी बिया नहीं कर सकते, इसलिए उस नगर की कन्या को, उस अम्रपाली को नगर वधु यानी बेश्या का उपाधि दे देते हैं। और यह कहन कि तू सब के खुश करबू, कहना पड़ांतरे में। धीरे धीरे कन्या सयानी, आई रंग पे जैसे रवानी, सब ही बानई चाहे सजनवा, सब ही बानई चाहे सिंगरवा, के सजनवा बनी है ना। याद रहे दोस्त, धीरे 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 समय बीतता गया और आज अम्रपाली को बेश्या का उपाधि दे देते हैं। हर जगह पर जाकर के नगर वधु बन करके धीरे धीरे हर जगह जाए, जे भी जाए, राजा जाए, प्रजा जाए, और जितना अरबारी दरबारी जितने भी लोग थे उनके, सभी लोगों के मन को राख कर, सभी लोगों को संतुष्टि दे करके सभी लोगों के दिल को शांति पहुंचाने लगी। लेकिन धीरे 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 समय बीतत गवा। तब एक बार महाराज दूसरे मगध सम्राज के राजा जब बिंबिसार के पता चलाई बात कि अरे बाप रे बाप, वैशाली नगर में एक खूबसूरत कन्या है जिसका नाम अम्रपाली बताया जाता है, और अम्रपाली बड़ी खूबसूरत है, मगध राज से वैशाली राज में बड़ी खटपट रहे, बड़ा झगड़ा होत रहे। लेकिन आज बिंबिसार महाराज मगध राज को छोड़ करके वैशाली नगर में आते हैं अम्रपाली से मिलने के लिए। गीत की लाइन बात, गीत के लाइन बा, सैया मिलल बा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो, गाड़ी पाहुत के पियाई ता लड़ाई गाड़ी हो, बा महाराज राजा बिंबिसार जी आज मगध सम्राज को छोड़ करके चल देते हैं। होता क्या है, दिल में आपने तब सपना सजाए राजन जी, दिल में आपने तब सपना सजाए राजन जी, राज्य दरबार छोड़ करके आए राजन जी, आते हैं कहां पे, वैशाली नगर के जहां पर एक राज्य दिए रहते हैं महाराज, अम्रपाली बैठी हुई है वहां पे, पहुंच गए बिंबिसार महाराज। आज महाराज जी पहुंच गए, क्या बात है अम्रपाली तुम ही हो, जैसे देखे न अम्रपाली के तो एकदम लार तप कहला है, अरे बाप रे इतनी खूबसूरत औरत, होत का अंतरे में बताए का। चेहरा बा चमका जैसे चंदा नूरानी, बालू तू हो गोरिया हो परियन के रानी,
छोड़ करके आए राजन जी। याद रहे दोस्त, आज महाराज राजा बिन विसार जी चले जाते हैं और दोनों जने के प्रति जब प्रेम हो गया। अच्छा कहा था है बिन विसार महाराज कि सभी लोगों को आपने खुश किया है तो प्लीज हमको भी आप खुश कर दीजिए। लेकिन अम्रपाली के पता बा कि वैशाली दरबार से और मगध सम्राट से बहुत तगड़ी दुश्मनी बा, मिले के कोशिश नहीं बा, लेकिन इतना धन बा, इतना दौलत बा, लालच दे करके महाराज बिन विसार जी अम्रपाली को अम्रपाली को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और दोनों लोगों के मिलने के तत्पश्चात एक पुत्र का जन्म होता है दोस्त, एक बेटवा पैदा होता है दोस्त। इधर बिन विसार महाराज जी दोनों जने से प्रेम करता है, आते जाते मिलान हो रहा है। बिन विसार महाराज जी अपने महल को चले जाते हैं। जब अपने महल में चले गए तब इधर टेरी की लाइन लगी मास्टर साहब। अरे राम लाली की लाली माँ लाल हो गई, सुंदर सुशील कन्या बनली अम्रपाली, सुंदर सुशील कन्या बनली अम्रपाली, लाली की लाली माँ लाल हो गई। इतनी खूबसूरत हसीन लड़की को देख करके बिंबिसार भी अपने मार अपने आप पर कंट्रोल ना कर सके और दोनों में प्रेम हुआ। एक पुत्र का जब जन्म होता है वो पुत्र राज सम्राज को छोड़ करके महात्मा तथा बुद्ध महाराज के चरणों में जा करके उनको अपना भगवान मान लेता है। लेकिन यही के तत्पश्चात प्रेम दोनों जनों में चलतवा तमाम लोगों के बीच में। तब कुछ समय के बाद गंडक नदी के किनारे महाराज बुद्ध भगवान जी का एक बार चरण पड़ता है दोस्त। जब पद्म चरण पड़ा है वहां पर अपने परिचारिका के साथ में अम्रपाली जाती है केवल उनकी आवाज को सुनने के लिए। और जब आवाज के सुनने के लिए पहुंचत बा जा करके अपने तमाम परिचारकों के साथ में, उस समय तथागत बुद्ध भगवान इस बात को जान जाते हैं कि वैशाली नगर की बेस्या अम्रपाली इतनी खूबसूरत है कि इसको देख करके हमार जितना चेला यहाँ है ये अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाए हैं, ये अंडवंड में चला जाए है, कामदेव के ऊपर भी जाई पाई जाए। इसलिए पहले से ही संकेत दे दिए और अपने शिष्यों के आंख बंद करने का आदेश दे दिए दोस्त। जब आंख बंद कर दे आए और उनकी बातों को मधुर भाषाओं को सुने, इधर अम्रपाली को उनकी बातें अच्छी लगी दोस्त। जब अच्छी लगी तब महाराज से पूछन, महाराज कहनका कहन, महाराज आप से मैं एक बात उनका अनुरोध करना चाहती हूँ। कहन बताइए क्या बात है। तब अम्रपाली बोले बाकी प्रभु आप जिस तरीके से यहाँ पर आप अपने वचन को बता रहे हैं तमाम लोगों को मुग्ध एकदम मनमुग्ध किए हैं, हम चाहे एक दिन आकर के आप मेरे कुटी पर भोजन करके चले जाइए, हम धन्य हो जाएंगे स्वामी। उस समय उसके भाव को समझते हुए तथागत बुद्ध भगवान जी बोल दिए कि ठीक है जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा इतना कह के चल देन के मैं तुम्हारे दरबार पे जरूर आऊंगा। जब इतना बतिया कह के चलन तब उतनी समय बुद्ध भगवान के एक शिष्य जेकर नाम महेंद्र रहे, महेंद्र बमक गए के अरे बाप रे बाप तू जाबा कहूंगा, एक बेस्या के घर पे जाएंगे आप भोजन करने के लिए। तब बुद्ध भगवान एक बात बोले कि बेटा महेंद्र ओ बेस्या होगी तो जहां की होगी वहां होगी, लेकिन जिस समय उसने मुझे पुकारा था, जिस समय उसने मुझसे कुछ मांगा था, उस समय उसका भाव, उसका भेद, उसका शालीनता, उसका सम्मान को देख करके मैं उससे वचनबद्ध हो गया कि तुम्हारे दरबार पे मैं भोजन करने जरूर आऊंगा। अजबी बतिया कहे तो महेंद्र उस समय नाराज हो गया। पहली बार कन्याओं का गौतम बुद्ध महाराज जी के शरण में कोनो स्थान नहीं होता, लेकिन अम्रपाली से ही शुरुआत हो गया दोस्त। वहां पर लोग जाने लगे जितना भी कन्या रहे तब शुरुआत यहां से, लेकिन कहना पड़ा क्या प
परिचारिकाओं को लेकर के आज अमरपाली अपने महल की ओर जाती है। जब अपने महल की ओर जाती है तो धीरे 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 एक बार बुद्ध भगवान जी का भी आगमन होता है। तो होता बा अरे ऐसा पहली पार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है हमको तुमसे, प्यार हुआ है। ए भैया हो इधर, अमरपाली जब देखिन के रे बाप रे बाप, कई दिनों के बाद आज महाराज भगवान श्री तथागत बुद्ध जी मेरे द्वार पे आ रहे हैं। लगे ना एकदम झाड़ू पोछा लगावे। अरे बाप रे बाप, आज मेरे द्वार पे तथागत गौतम बुद्ध भगवान का चरण पड़ेगा दोस्त। इतना बात सोच के इधर खान पीन के एकदम व्यवस्था टाइट बा। आ करके भगवान द्वार पे आते हैं और कहते हैं कि अमरपाली तुम्हारे कहने के तत्पश्चात आज मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करता हूँ। महल में गए और अमरपाली का के हाथों से बनाया हुआ भोजन स्वयं ग्रहण किए, बैठ करके अपने वचन से अमरपाली को मनमुग्ध करके और संसार को स्वार्थी रूपी दिखा करके उस आत्मा परमात्मा के बारे में बात करवा के उनकी आंखों को खोल देते हैं। तब अमरपाली सवाल करती है कि भगवान आज तक तो मेरे हुस्न से तमाम लोगों ने आनंद लिया, अरे तमाम लोगों के साथ मैंने बिका है, लेकिन जौन बचा कुचा जीवन बा मैं आपके चेड़ों में आकर के अपने आप को अर्पित करना चाहती हूँ। अब देखा भगवान गौतम बुद्ध जी के सामने जब ये सवाल आया तो एक बार तो अटपटाने, लेकिन आज प्रेम भाव से जब वो कन्या कह रही है तब हामीकार भरते हैं। आज जब हामीकार भरलन तब होत का मास्टर से दादा पंडारी के लाइन हरे अब ना मिली ये भैया, अब ना मिली ये बाबू, अब ना मिली तदेनू आ कई तारा तारी, अब ना मिली केहू केहू बोले बाकी पतिवर्ता नारी अब न मिली, नौकरी सरकारी अब न मिली, खेत सींचे वाली नारी न मिली, लेकिन किसी कवि ने गाया है कि जेकर मरगी महतारी अब न मिली, लेकिन होत का बदोस। अरे राम पूरा भवा ये भैया, पूरा भवा ये बाबू, पूरा भवा, अरे तक कन्या जी के यार मनवा, पूरा भवा। बहुत सह चुके हैं हम अपना अपमान हो, अचाराला में शरण दे त्या बुद्ध भगवान हो। अरे
राम पूरा भवा, ए भैया पूरा भवा, ये बाबू पूरा भवा, ताई इतिहास के कथा नवा पूरा भवा। अपने आप को आम्रपाली वेश्या तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है और तब से एक ब्रह्मचारी जीवन यापन करने लगती है और वो भी भगवान श्री बुद्ध के चरणों में चली जाती है और बुद्ध बौद्ध धर्म को अपना लेती है। उसी समय अंगुलीमाल डाकू एक इंसान का पीछा करते 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 तथागत गौतम बुद्ध भगवान की चेड़ों में आता है और ये कहे बाबा हट जा, बाबा हट जा, आज हमें कलई बढ़ाओ, तमाम लोग के काटे पीटे ताज न उकलई बढ़ाओ। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी इतने शालीनता मधुर विचार से प्यार से उसे इस कदर समझाए कि अंगुली माल डाकू अपने पूरे विचार विमर्श को बदल कर एक सादा जीवन जीने लगा। यही शालीनता था, यही प्रेम था, यही दुलार था दोस्त, छाप में कहना है। एक महात्मा के ऐसे लक्षण होते हैं दोस्त। तो भुल्लू रामधार है दर गुरुवर राजा रा। बिमल कवि खोज रात के साथ है, कभी थे राधे श्याम, लाली जी लाली मा लाल हो गई, अरे लाली की लाली मा लाल हो, हो लाली की लाली मालाल हो गई, गाँव सूरज यादव रक्षक मैहर वाली, लाली की लाली मालाल, परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मेरा दिल दे दिया। लीजिए आप सब